उधर बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड के कई जिलों में आज स्कूलों को बंद कर दिया गया है। भारी बारिश की आशंका थी, इसके चलते ये फैसला ले लिया गया। कुमाऊं मंडल में आज बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें नैनीताल, बागेश्वर और अल्मोड़ा, यहां पर स्कूलों को पूरी तरह से बंद किया गया। पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, यानी नैनीताल से लेकर पिथौरागढ़ तक पूरे हिस्से में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर आप देखिए चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये जितने भी जगह हैं, यहां सभी जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और पहाड़ी राज्यों में अक्सर जब भी इस तरीके से रेड अलर्ट के दौरान बारिश होती है तो वो एक बड़ी विपदा बन जाती है। चलिए आपको तस्वीरें बता देते हैं। जो तस्वीरें हैं यहाँ पर, ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं। यहाँ दो दिन पहले अचानक आए पानी में कई गाड़ियाँ बह के चली गई। करीब 9 से 10 के बीच में लोगों की कारें थी जो कि इस पानी में बह गईं, जिन्हें लोगों ने, तैराकों ने इन गाड़ियों को किसी तरीके से किनारे किया। लेकिन आज क्योंकि भारी बारिश की आशंका है, रेड अलर्ट घोषित किया गया है, लिहाजा कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में से कुमाऊं मंडल में पूरी तरीके से सभी जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिससे बच्चों पर किसी तरीके का खतरा ना हो। उधर उत्तराखंड में मानसून की